और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति पर असर डालने वाली खबर है। देखिए, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर ये बड़ी खबर आपको देते हैं। ओवैसी को बाराबंकी में रैली करने की प्रशासन ने इजाजत दे दी है, लेकिन महज 3 घंटे की ही इजाजत मिली है। साथ ही प्रशासन ने 50 लोगों के साथ ही जनसभा की मंजूरी दी है। पहले ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं मिली थी। ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ओवैसी की एंट्री से यूपी की सियासत में पारा चढ़ने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।